होता है और छोटा सदन को उपयोगी बनाया जा सकता था और इसकी चर्चाएं होती है, प्रारंभ में होती है, जब सदन प्रारंभ हो रहा होगा और जब हम लोग कहते हैं कि समय कम है तो हमेशा ये आश्वासन शीर्ष की ओर से आता है, विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आता है, इसको पक्ष विपक्ष दोनों इसमें शामिल रहते हैं। हमारी ओर से ये कोशिश हमेशा रही है कि जो भी समय निश्चित होता है उसका उपयोग हम लोग राज्यहित में, पब्लिक हित में ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, कभी कभी स्थितियाँ इस रूप से बन रही है और उसको सुलझाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। विपक्ष निश्चित रूप से विषय को लेकर आएगा, जवाब चाहेगा हाउस से, लेकिन वो अगर हाउस में कोई व्यवधान होता है, हम आपने पूरे अभी 3-4 दिन जितना दिन चला है एक दिन भी ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि जब किसी इश्यूज को सुलझाने को लेकर कोई पहल हुआ हो। हमारे एनडीए कैंडिडेट के पक्ष में हमारा मतदान होगा, हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वो एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करेंगे। विधायक सवाल पूछ रहा है, जो जवाब आ रहा है 90% विधायक असंतुष्ट होते हैं, तो क्या उसका ये गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है कि जो क्वेश्चंस आए, जो प्रश्न खड़े होते हैं, जो प्रश्न लाए जाते हैं, उन प्रश्नों को सही रूप से सही जवाब माननीय सदस्य आते हैं। अब ये प्रश्नों को आदरणीय मंत्री जी को देखना चाहिए, इन प्रश्नों पर सरकार को सारे जो पदाधिकारी हैं उनको देखना चाहिए, एक भी प्रश्न का सही रूप से और कोई संतुष्ट होने वाला जवाब आ नहीं रहा है और इसकी जनरल शिकायत पक्ष विपक्ष सभी विधायकों का है। एक बात और आ रही है, एनडीए पे आरोप लग रहा है कि दूसरे स्टेट के पुलिस आती है एनडीए राज्य में तो वहाँ रोक दिया जाता है, दूसरे जगह जाते हैं वहाँ रोक दिया, बड़ा किशोर लेके जाना चाह रहे हैं देश को, ये एक कंडीशन बना हुआ है कि परस्पर स्टेट के पुलिस किस रूप से एक दूसरे के स्टेट में किस रूप से काम करेंगे, किस रूप से सूचनाएं एकत्रित करेंगे, किस रूप से एक्ट करेंगे, इसका एक मानक तय है, उस मानक का आदर और सम्मान करना चाहिए। ये एक बयान दिए हैं कांग्रेस के पुलिस महासचिव ने, कहा है कि बीजेपी और जो आरएसएस है उसका जो राष्ट्र प्रेम है छलावा है तो दिखावा है, हर घर तिरंगा के लिए जो कपड़ा है तिरंगा का वो चाइना से आ रहा है, ये आरोप लगाया उन्होंने। पता नहीं डॉक्टर अजय किस परिस्थिति में इस सब की चर्चा कर रहे हैं और चाइना से क्या माल आयातित होता है क्या नहीं होता है ये ब्यौरा है, लेकिन सवाल यहाँ उस सामान का नहीं, सवाल है कि देश का, देश के झंडे का, तिरंगे का, हर घर हर परिवार हर के हृदय में जिंदा रखने का है और ये एक बेहतर प्रयास है देश के अंदर, देश हित का और देश के राष्ट्रीय ध्वज को अगर हर सहृदय सभी कोई रखेंगे तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय भक्ति का जो भाव है वो उजागर होगा, इसके पीछे का तत्व फिर जाना चाहिए ना कि इसका ऑपरेशन करना चाहिए। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in